तो गाइज पिछले 1-1.5 घंटे से मैं एक फोन कॉल में था एंड आई थिंक आई हैव टू गेट माई सेल्फ चेक्ड। आपको याद होगा मेरे दोस्त ईशान ने जब उसकी शॉप खोली थी कोपेन, तो एक मुझे हैम्पर दिया था जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे, ये लिखा था उसने, मुंबई का निखिल कोपेन। अभी मैं सो रहा था, धड़ाम से जोर से आवाज़ आई, देखा तो ये ज़मीन पे गिरा था। अब ये गिरा तो गिरा कैसे, जबकि यहाँ पर ये इसको ऐसा अटकाया था ऐसे, और ये इतने दिन से अटका हुआ है, आज कैसे गिरा? देखो देयर इज़ नो वे ये गिर सकता है यहाँ पे, जब तक कोई ऐसा ना करे। आई एम नॉट जोकिंग गाइस, आई एम वेरी सीरियस, मुझे गूज़बम्स आ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि घर के खाने से वजन नहीं बढ़ता है, आई हैव टू टेक इट बैक। अगर मम्मी एक्स्ट्रा फीड करती तो वजन ज़रूर बढ़ जाता है, बट जो ऐप नज़र आने लगे थे वो भी मम्मी ने गायब कर दिया। और हाँ, वो कोपेन का जो बोर्ड गिरा ये कोई हॉन्टेड थियरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो अगर आप इतने बड़े घर में 2 BHK घर में अगर अकेले रह रहे हो, रात के 2-3 बजे ठप करके कुछ आवाज़ आए और अब जाओ और वो बोर्ड नीचे गिरा पड़ा है, तो आपको बाद में नींद आएगी नहीं आएगी, आपकी फटेगी नहीं फटेगी, अब क्या करोगे? ज़रूर कमेंट करना। क्योंकि जब मैं कतार में था, आई रिमेंबर जब मैं फ्लाई करता था तो कुछ कुछ डेस्टिनेशन के होटल होते थे, जैसे कि मनीला का एक होटल था, हांगकांग का एक होटल था और काठमांडू का एक होटल था। ओ माय गॉड, काठमांडू का तो मोस्ट हॉन्टेड एवर ऐसे लोग बोलते थे, और उसकी जो तरह तरह की कहानियाँ थी ना, अगर मैं आपको बोलूँगा ना आपकी फट जाएगी। मुझे होटल का नाम याद नहीं आ, जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। फिलहाल तो कमेंट करो कि आपको कैसा फील होगा। और जो हेलमेट है मैंने यहाँ पर रख दिया है अभी फिलहाल, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करता तब तक, वो देख के भी मुझे बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। सो आई वॉज वॉचिंग माई लद्दाख सीरीज़, पहला वाला, दूसरा तीसरा नहीं, पहला वाला लद्दाख सीरीज़। आई नो माई गॉड, फन फैक्ट, जब मैं लद्दाख जा रहा था तो मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे, और पटनी डॉप पहुंचने के बाद अचानक से 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस होकर मैं फेसबुक पे लाइव किया था। एंड माइंड यू, उस टाइम 1,000 सब्सक्राइबर दिन के मिलना वॉज वेरी वेरी टफ, मुझे को दिन के 100-200 मिलते थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा कुरला चोर बाजार वाला व्लॉग वायरल हो गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलने लगे, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो गया। और अभी बर्तन धो के मैं मम्मी के पास लेके जा रहा हूँ। Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? You put me through that. मेरे मम्मी को स्पेशली बोला था, मम्मी तुमने कल मुझे बहुत ज़्यादा खिला दी, आज थोड़ा कम देना, कम बोल के भी ठीक है, घर का खाना खत्म हो जाता है। Baby it's useless, I'm living my life. Don't need you in mind. आप देख सकते हो हार्डली कोई गाड़ी चल रही है मेन सड़क पे, कोई गाड़ी नहीं दिख रही मुझको, वरना तो ये पूरा ट्रैफिक जैम रहता है ये टाइम पे, 12:30 बजे पूरा जैम रहता है। अच्छा भी लग रहा है देख के, और ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि इकोनॉमी की हालत हो रही है। इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के और मीम्स पेजेस देख के समझ में आ रहा है कि पीपल आर लिटरली गोइंग मैड इनसाइड देयर हाउस। व्हाट अबाउट यू गाइस, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? कुछ कुछ लोग थोड़ा बहुत बाहर चले गए, जैसे कि मैं चले गया बिल्डिंग के नीचे, चले गए बाइक वॉश करने के लिए, मेडिकल स्टोर चले गए, कुछ खाना पीना लेने चले गए। अदर देन दैट, जो लोग कम्प्लीटली घर के अंदर आइसोलेटेड है उनका सोचो क्या हाल रहेगा यार। एनीवेज, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आज मैंने पूरा लद्दाख सीरीज देखा पहला वाला, ऐसे काफ़ी सारे सीन्स थे देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। यस, अब रोया रोया क्या करूँ, मतलब आई कैन ओनली अंडरस्टैंड यार उस वक्त क्या था मेरे साथ। बट मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि हमेशा जो भी हुआ अपने साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और जो उसमें मैंने शूज़ पहने, राइडिंग बूट जो गंदे होते रहते थे वो मुझे 100 रुपये नहीं दिए थे, राइडिंग गेयर मुझे फर्स्ट टाइम राइनॉक्स से फ्री में कुछ मिला था मुझे, बाकी सब अच्छे से हो गया। देवू मुझे वो टाइम मिला था। अगर आप कुछ कुछ सीन्स में देखोगे तो जब भी मेरी टाइगर है वो डैनी फर्स्ट टाइम वो टाइगर लेके गया था ब्रांड न्यू, तो आपको टाइगर भी दिखेगी। ओके, सो दे आर राइडिंग द टाइगर एंड इवन देयर बाइक इज फ्रॉम मुंबई। आई एम योर सब्सक्राइबर, सच अ प्राउड गाय। नाइस, वी गॉट अ ग्रुप नाउ, सो वी जस्ट रिफ्यूल्ड अगेन एंड दे आर ओनली लुकिंग एट माय बाइक, दे आर नॉट लुकिंग एट द टाइगर। वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। अगर अभी आपको लद्दाख का कहीं पर भी जाना है स्पीति विति, तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, ब्लॉग आर्टिकल मिल जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है क्या लेके जाना है सब मालूम पड़ता है। उस वक्त ऐसा कोई चीज़ थी नहीं, तो मैं बिल्कुल अनप्लान ट्रिप पे गया था, तो बिग थम्स अप टू माय मदर, बेटे को जाने दिया बिल्कुल भी, मम्मी ने ऐसा बोला नहीं कि तू मत जा, मम्मी ने बस उतना बोला तू सही सलामत वापस आ जाएगा। मतलब मम्मी देखो अभी कोई 100% तो बोल नहीं सकता कि सही सलामत वापस आ जाएगा, बट आई विल डू माय लेवल बेस्ट कि मैं सेफ रहूँगा और मैं अच्छे से वापस आ जाऊँगा। तो
तो गाइस पिछले एक डेढ़ घंटे से मैं एक फोन कॉल में था एंड आई थिंक आई हैव टू गेट माय सेल्फ चेक्ड, नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, इट इज बिकॉज रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट 2-3 ब्लॉग्स बैक कि शायद मुझे एक लेटर मिलेगा जिससे वजह से मैं बाहर जा सकता हूँ. तो वो लेटर मिलने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा बिकॉज मैं बाहर से आया हूँ. मेरी हिस्ट्री है कि मैं यूके से रिटर्न आया हूँ और आपको पता है यूके में क्या हाल है, इंडिया के भी हाल कुछ सही नहीं लग रहे. तो अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि लेटर मिलेगा तो बाहर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बिकॉज डेढ़ घंटे बहुत सारी बातें हुई हैं एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग नाइस. आई होप आप लोग सिर्फ वेब सीरीज नहीं देख रहे होगे, न्यूज़ भी फॉलोअप ले रहे होगे, अगर टीवी नहीं है तो यूट्यूब पे देख रहे होगे कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया का, स्पेशली अपने देश का. थिंग्स आर गोइंग बैड. अभी शुरू के 4-5 दिन लोगों ने लॉकडाउन सीरियसली लिया, लेकिन ऑब्वियसली सब लोग घर के अंदर नहीं बैठ सकते. बहुत लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है काम करने के, लोग बाहर जा रहे हैं और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी कहाँ कहाँ जा कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है. एंड इट विल गो बैड. ये चीज़ इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने सोचा था. बोलना बहुत आसान है गाइस, घर पे बैठो घर पे बैठो घर पे बैठो, लेकिन है बहुत सारे लोग घर पे नहीं बैठ सकते, वो बाहर आ रहे हैं और स्लम्स एरिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. और मुंबई के एक कोई तो हॉस्पिटल में मेरी अभी अब्दुल भाई से बात हो रही थी कि वहाँ पर भी वो पूरा सील कर दिया गया है. तो जितना मैं देख सकता हूँ इट्स गोना गेट बैड. आई जस्ट होप इट डजंट, लेकिन पता नहीं क्या होगा. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा. एंड जितनी बार मैं सो के उठता हूँ ऐसा लगता है कि भाई ये पिक्चर है खत्म हो जाएगी एंड आई विल वेक अप एज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट ऐसा नहीं होता. यू नो गाइस अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि लंदन जाने के पहले मतलब 5-6 मार्च तक सीन इतना सीरियस नहीं था. इनफैक्ट जब मैं लंदन में गया था आपको पता होगा कि मैं बोल रहा था वहाँ पर सीन इतना सीरियस नहीं लग रहा है. जिस दिन मैं वहाँ से निकला उसके दूसरे दिन ही सबको पता है यूके का क्या हाल हुआ. और अभी इंडिया आने के बाद मतलब 14-15 दिन हुए और वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, समझ में नहीं आया हुआ क्या. ब्यूटीफुल मॉर्निंग राइट. मुझे पता नहीं आपका शेड्यूल क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठ सकते हो तो सुबह सुबह उठ के टेरेस पे या बालकनी में आके सनराइज देखो और इतनी शांति बहुत अच्छा लगेगा. जब मैं काफ़ी दिनों बाद मम्मी के साथ लंच करने गया उसका मैंने ट्वीट और वीडियो डाला, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि अरे भाई कि तू यूके से आते साथ क्यों नहीं मम्मी के साथ रहा, इतने दिनों बाद क्यों गया, शानी से सकती है वो. इसलिए बिकॉज जिस दिन मैं यूके से आया था उसके दूसरे दिन ही मेरी मम्मी से रहती है, उसकी सोसाइटी के मेंबर का फ़ोन आया मम्मी को पूछने के लिए आपका बेटा ओके है ना यूके से आया. शी कॉल्ड मी एंड आई वाज लाइक यू नो मॉम बेटर कि मैं यहाँ पर रहूँ. दे वर वेरी नाइस, दे ऑल आर माय सब्सक्राइबर्स, बट दे वर ऑल कंसर्न. सेम थिंग हैपन विद शैनस, सेम थिंग हैपन विद शोबिस, सेम थिंग इवन वर्स हैपन विद माय कलीग्स फ्रॉम कतर एयरवेज जो कि यहाँ पर अनपेड लीव पे आया. उनका मैं बताता हूँ, शैनस और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स 14 डेज से क्वारंटीन पे थे, उनका भी खत्म हो गया है. उनका तो बिल्डिंग में लॉक कर दिया गया है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा अंदर नहीं आएगा. मतलब पूरे बिल्डिंग के मेंबर्स बाहर अंदर नहीं जाएंगे, कुछ भी चाहिए कॉल करो गेट पे आएंगे, वॉचमैन लेगा और वॉचमैन जाके देगा, वो घर के बाहर रख देगा. शोभित का भी सेम सीन, शोभित पहुंचा था उसके नेबर्स का फोन आया था कि भाई बाहर से आया हो, तो शोभित ने तो खुद को क्वारंटीन, उसका भी दो तीन घर तो उसने दूसरे घर में अपने आप को क्वारंटीन कर दिया था. अभी वो ही इज़ ऑल्सो ऑल राइट, एवरीथिंग गोइंग वेल. आई नो यू गाइज़ आर मिसिंग शोभित, शैनस, वसीम, एवरीबडी. डोंट वरी, लॉकडाउन के बाद या जब भी मौका मिलेगा अपन सब वापस कैमरे के सामने आ जाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट माई कलीग्स फ्रॉम कतर वेज जो लोग अनपेड लीव में आए हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनमें से एक दो को तो इतना बुरा हुआ एंड दे लिव इन अ वेरी गुड सोसाइटी कि उनके सोसाइटी मेंबर्स ने उनको लिटरली दरवाजे पर आकर नॉक किया, बोला कि आप निकल जाओ इस घर से, मतलब खुद का घर है और बोल रहे निकल जाओ इस घर से. इनफैक्ट किसी ने तो पुलिस को फ़ोन कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने नहीं, सोसाइटी मेंबर ने, कि देखो ये कतार से आए हैं, दे वो क्रू वन लेके जाओ इनको. ऑफकोर्स पुलिस ने मेरे फ्रेंड्स लोग का साथ दिया ना कि सोसाइटी मेंबर का, बिकॉज इज रॉन्ग. मतलब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, इमेजिन ऐसा हो रहा है. अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करता बिकॉज जो डर होता है ना, डर आदमी को पागल बना देता है. समझ में आता है कि रिएक्शन देना क्या, करना क्या है, सोल्यूशन क्या है. और अभी जिस हिसाब से ये लॉकडाउन बढ़ेगा लोग शायद और पागल होते जाएंगे. आई होप वी कम अप विद अ बेस्ट सोल्यूशन. लॉकडाउन तो एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन आई होप ये 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन ना हो जाए. जिस तरह अभी यूके का मैंने देखा, यूके तो 6 महीने के लिए, ऑस्ट्रेलिया 6 महीने के लिए, अमेरिका तो पता नहीं पूरे पूरा साल के एंड तक जाएगा ये. आई होप इंडिया निकल जाए इस चीज़ से. वॉट एवर इट इज़, वॉट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़ यार, बहुत अच्छा लग रहा है. मार्च का महीने में इतना गर्मी रहती है सुबह सुबह भी, दोपहर में है लेकिन सुबह भी गर्मी रहती है, सुबह बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही. ऐसा लग रहा है मैं कोई विंटर मॉर्निंग में बाहर आया हूँ. एक बार बाहर आके टेरिस पर आके बालकनी में आके जरूर देखना. एनीवेज गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं. अभी कोशिश करूंगा दूसरा व्लॉग 2-3 घंटे में शुरू करूँ, थोड़ा एक दो वेब सीरीज देख के. सो इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब करो. विद दैट सेड एज ऑलवेज, शुक्रिया अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स. आहा, सूरज देवता की किरण पड़ रही है मेरी आंखों में. थैंक यू सूरज देवता इस धरती को रोशन करने के लिए. मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से पकड़.
किसी ने सही कहा है बॉस, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे अपना दिमाग इतना खाली नहीं है, करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। व्लॉग बना रहा हूँ, मीटिंग वीटिंग चल रही है अपनी, बट फिर भी यार ऐसा दिमाग में गलत ख्याल आता है कि बहुत सही किया कि मैं इतना ट्रैवल कर लिया, फ्लाइंग छोड़ने के बाद भी 18 कंट्री घूमा, अभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कब ठीक होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते निकल सब ठीक हो जाएगा। फिर भी ऐसा कुछ लोगों को देखता हूँ मैं, what you expect, how I forget these thoughts of you. Don't need no reps, I'm in the jet, gon' fly the coop, fly the coop. Shawty, don't play that game.